तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हो। मैं पहले ही बता दूं, इससे आपके असली रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ खाली दिखावे के लिए काम आ सकती है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर खोलने के बाद आप जल्दी से अपना क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। तो जैसे इस वक्त मैं क्लास 12 CBSE रिजल्ट के पेज पर हूँ, आप भी अपना रिजल्ट खोल लीजिए। तो अब रिजल्ट के पेज पर पहुँचने के बाद आपको करना है एक राइट क्लिक के बाद इंस्पेक्ट पर क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करिए और वहाँ पर अपना पॉइंटर ड्रैग कर दीजिए जहाँ पर आपको नंबर चेंज करने हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर 82 का 99 भी बना सकता हूँ, 100 भी बना सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई विश। तो आप देख सकते हो मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। और अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मार्क्स पर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आपको कहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 082 लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आप 100 लिख दीजिए, तो आपके मार्क्स यहाँ पर 100 हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करोगे तो पेज भी वही प्रिंट होगा जो कि आपने वैल्यू एडिट कर रखी है। मैं बता दूँ, अगर आप पेज रिफ्रेश करोगे तो आपका रिजल्ट वही पुराने वाला हो जाएगा। तो ज़रा मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ आई। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे और आप मुझसे जल्दी मिलोंगे अगले वीडियो में। इट्स योर मनल साइनिंग आउट।